Hello students, how are you? Welcome to SBS English classes. We are here to study part 2 of the poem The Tale of Custard the Dragon, composed by Frederick Ogden Ness. Frederick Ogden Ness के द्वारा कंपोज की गई पोयम द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन का ये सेकेंड पार्ट है। सेकेंड पार्ट को शुरू करने से पहले थोड़ा सा हम पार्ट 1 के एंड में चलेंगे तो हमारी स्टोरी की कंटिन्यूटी बनी रहेगी, अधिक इंटरेस्ट आएगा। अचानक उन्होंने एक भद्दी बुरी सी आवाज सुनी। उन्होंने किसने? इंक ने, ब्लिंक ने, मस्टर्ड ने और बेलिंडा ने अचानक से एक भद्दी सी आवाज सुनी और उस भद्दी सी खराब सी आवाज को सुन करके जो मस्टर्ड था वो गुर्राया और जो इंक था, बिल्ली का छोटा काला बच्चा, वह जोर से म्याऊ म्याऊ करके चीखा और बेलिंडा भी जोर से चिल्लाई, क्योंकि उन सब ने एक समुद्री लुटेरे को खिड़की से चढ़ते हुए देख लिया था। उसके पश्चात जब वो खिड़की से चढ़ते हुए समुद्री लुटेरे को, समुद्री डाकू को देखते हैं तो घबरा जाते हैं सभी। और उसके पास क्या क्या सामान होता है उस पायरेट के पास, समुद्री डाकू या लुटेरे के पास, आइए शुरू करते हैं। पिस्टल इन हिज लेफ्ट हैंड, पिस्टल इन हिज राइट, एंड ही हेल्ड इन हिज टीथ ए कटलास ब्राइट, हिज बियर्ड वाज ब्लैक, वन लेग वाज वुड, इट वाज क्लियर दैट द पायरेट मीन्ट नो गुड। पोएट कहता है पिस्टल इन हिज लेफ्ट हैंड, जब सभी ने उस छोटे सफेद घर के अंदर खिड़की से चढ़ते हुए उस समुद्री डाकू को देखा तो उसके पास क्या क्या सामान था? पिस्टल इन हिज लेफ्ट हैंड, उसके बाएं हाथ में एक पिस्टल थी, एक पिस्तौल थी। पिस्टल इन हिज राइट, और उसके दाहिने हाथ में भी पिस्टल थी, पिस्तौल थी। ही हेल्ड, एंड ही हेल्ड, और वह हेल्ड में पकड़े हुए था, इन हिज टीथ दांतों में, इन दांतों में पकड़े हुए था, दांतों में दबाए हुए था, ए कटलास, कटलास कहते हैं ए लॉन्ग सोर्ड, एक लंबी तलवार, ब्राइट चमकीली, और वह समुद्री लुटेरा अपने दांतों में एक बड़ी चमकीली तलवार दबाए हुए था या पकड़े हुए था। हिज बियर्ड वाज ब्लैक, उसकी दाढ़ी काली थी, वन लेग वाज वुड, और उस समुद्री डाकू की एक टांग लकड़ी की बनी हुई थी। इट वाज क्लियर, यह स्पष्ट था, यह साफ था, दैट द पायरेट, कि वो समुद्री लुटेरा मीन्ट नो गुड, उस समुद्री लुटेरे का उद्देश्य नेक नहीं था, अच्छा नहीं था, नो गुड अच्छा नहीं था, अर्थात उसका उद्देश्य बुरा था, वह उनको लूटने के लिए आया था। दोबारा देखते हैं, पिस्टल इन हिज लेफ्ट हैंड, उसके बाएं हाथ में एक पिस्तौल थी, पिस्टल इन हिज राइट, उसके दाहिने हाथ में एक पिस्तौल थी, एंड ही हेल्ड इन हिज टीथ ए कटलास ब्राइट, और वह अपने दांतों में एक चमकीली बड़ी तलवार पकड़े हुए था या दबाए हुए था। हिज बियर्ड वाज ब्लैक, उसकी दाढ़ी काली थी, वन लेग वाज वुड, और उसकी एक टांग लकड़ी की थी। इट वाज क्लियर, ये स्पष्ट था, दैट की द पायरेट मीन्ट नो गुड, कि उस डाकू का उद्देश्य नेक नहीं था, अच्छा
नहीं था अर्थात खराब था, वो उनके उनको लूटने के लिए आया था। बेलिंडा पेल्ड एंड सी क्राइड हेल्प हेल्प बट मस्टर्ड फ्लेड विद ए टेरिफाइड येल्प। इंक ट्रिकल्ड डाउन टू द बॉटम ऑफ द हाउस होल्ड एंड लिटिल माउस ब्लिंक स्ट्रेटेजिकली माउस होल्ड। जब समुद्री लुटेरे को बेलिंडा ने खिड़की से ऊपर की ओर चढ़ते हुए देखा तो वह घबरा गई। बेलिंडा पेल्ड, बेलिंडा पीली हो गई अर्थात घबरा गई। उस डाकू को खिड़की से चढ़ता हुआ देख करके बेलिंडा घबरा गई और पीली पड़ गई। वह भयभीत हो गई एंड सी क्राइड हेल्प हेल्प और वह सहायता के लिए चिल्लाई, सहायता करो सहायता करो। इस प्रकार से वह जोर से चिल्लाई चीखी। बट मस्टर्ड फ्लेड विद अ टेरिफाइड येल्प। परंतु अब इससे पहले तो क्या था, बेलिंडा भी, मस्टर्ड भी, इंक भी, ब्लिंक भी, सारे के सारे अपनी बहादुरी का चर्चा करते थे और बेचारे उस ड्रैगन की मजाक बनाते थे, उसे कायर कहते थे। परंतु मस्टर्ड फ्लेड, वह छोटा कुत्ता मस्टर्ड फ्लेड मिस भाग गया। विद ए टेरिफाइड भयभीत, येल्प मिस हुंकार करते हुए यानी कि भौंकते हुए, भयभीत होकर भौंकते हुए वह भी वहां से भाग गया, निकल गया। इंक ट्रिकल्ड डाउन टू द बॉटम ऑफ द हाउस होल्ड। ट्रिकल्ड कहते धीरे से चला गया। डाउन नीचे, टू द बॉटम ऑफ द हाउस होल्ड, हाउस होल्ड मीन्स घरेलू सामान। जो इंक था, इंक कौन था, बिल्ली का छोटा काला बच्चा जो घरेलू सामान रखा हुआ था उसके नीचे जाकर के घुस गया, छिप गया डर के मारे। एंड लिटिल माउस ब्लिंक, और जो छोटा भूरा चूहा जिसका नाम ब्लिंक था, स्ट्रेटेजिकली का मीनिंग होता है योजनाबद्ध तरीके से, माउस होल्ड अपने बिल में जाकर के घुस गया। सब के सब उस समुद्री लुटेरे को देख करके डर के मारे, बेलिंडा घबरा करके पीली पड़ गई, घबरा गई और सहायता के लिए चिल्लाई। परंतु छोटा पीले रंग का मस्टर्ड नाम का कुत्ता भयभीत होकर के भौंकते हुए वहां से भाग गया। इंक ट्रिकल्ड डाउन टू द बॉटम ऑफ द हाउस होल्ड, और जो इंक बिल्ली का काला छोटा बच्चा था वह घरेलू सामान के नीचे जाकर के घुस गया, छिप गया। एंड लिटिल माउस ब्लिंक स्ट्रेटेजिकली माउस होल्ड, और जो छोटा चूहा था ब्लिंक नाम का, वह योजनाबद्ध तरीके से अपने बिल में घुस गया, वो भी जाकर के छिप गया। सब के सब डर के मारे भाग गए। और उस बेचारे को, किसको, ड्रैगन को जिसका नाम कस्टर्ड था, को छोड़ करके भाग गए। बट अप जंप्ड कस्टर्ड स्नॉर्टिंग लाइक एन एंजिन, क्लैश्ड हिज टेल लाइक आयरन्स इन ए डंजन, विद ए क्लैटर एंड ए क्लैंक एंड ए जेंगलिंग स्क्वर्म, ही वेंट एट द पायरेट लाइक ए रोबिन एट ए वॉर्म। जब सबके सब बेचारे कस्टर्ड दी ड्रैगन को छोड़ करके भाग गए, बेचारा वहां पर अकेला ड्रैगन ही रह गया, तो क्या होता है, बट परंतु अब मरता क्या ना करता, जिसे वो डरपोक कहते थे, कायर कहते थे, करता मरता क्या नहीं करता, तो क्या होता है, बट अप जंप्ड, परंतु
अप जंप्ड मींस ऊपर की ओर उछला, कूदा कस्टर्ड कस्टर्ड द ड्रैगन जो पंख वाला अजगर था सांप था वह ऊपर की ओर उछला, कूदा स्नॉर्टिंग घर घर आते हुए या फुफकारते हुए, लाइक एन इंजन लाइक मींस भांति, एन इंजन रेल के इंजन की भांति घर घर आते हुए या फुफकारते हुए कस्टर्ड ऊपर की ओर उछला या कूदा, क्लैश्ड टकराई हिज टेल अपनी पूंछ और उसने अपनी पूंछ टकराई, लाइक आयरन्स आयरन्स कहते हैं छड़े या सलाखें, इन डंजन डंजन कहते हैं काल कोठरी या तहखाना या जेलखाना, और उसने अपनी पूंछ जेल खाने के या जेल की छड़ों जेल की सलाखों की भांति विद ए क्लैटर क्लैटर कहते हैं खड़खड़ाना, जब टीन की छत पर जोर से बारिश पड़ती है तो तड़ तड़ की आवाज जोर से खड़खड़ाने की आवाज होती है, तो एक खड़खड़ाने की एंड ए क्लैंक झनझनाने की एंड ए जैगलिंग स्क्वर्म जैगलिंग कहते हैं कर्कस, स्क्वर्म मींस झनझनाहट, और परंतु कस्टर्ड एक रेल के इंजन की भांति फुफकारते हुए घर घर आते हुए ऊपर की ओर उछला और अपनी पूंछ को कैद की सलाखों के समान की तरह खड़खड़ाते एक खड़खड़ाते एक झनझनाते और कर्कश छनछनाते ऊंची आवाज के साथ टकराई, यानी कि जैसे ही उसने पायरेट पर हमला करना चाहा पायरेट ने उस पर, तो कस्टर्ड ने अपनी पूंछ को कैद की सलाखों के समान खड़खड़ाते हुए झनझनाते हुए और कर्कश झटपटाते हुए उस पर टकराई, उस पर मारी, किस पर, समुद्री डाकू पर। ही वेंट एट द पायरेट वेंट एट मींस के पास गया या के ऊपर झपटा या हमला किया, उसने उस समुद्री डाकू पर झपटा वह उस समुद्री डाकू पर झपटा या उसने उस समुद्री डाकू पर हमला किया आक्रमण किया, लाइक ए रॉबिन रॉबिन एक प्रकार की छोटी चिड़िया होती है जिसका आगे से सीना रेड कलर का होता है, जिस प्रकार से एक रॉबिन नाम की चिड़िया एट ए वॉर्म वॉर्म कहते हैं कीड़ा, जिस प्रकार से रॉबिन नाम की एक चिड़िया कीड़े पर झपटती है, ठीक उसी प्रकार से कस्टर्ड उस समुद्री लुटेरे पर झपटा उस पर हमला किया, बट अप जंप्ड कस्टर्ड स्नॉर्टिंग लाइक एन इंजन परंतु रेल के इंजन की भांति फुफकारते हुए कस्टर्ड ऊपर की ओर उछला और क्लैश्ड हिज टेल लाइक आयरन इन डंजन और अपनी पूंछ को कैद के काल कोठरी की सलाखों की भांति विद ए क्लैटर खड़खड़ाते एंड ए क्लैंक और छनछनाते एंड ए जैगलिंग स्क्वर्म और कर्कश झटपटाते झटपटाने की ऊंची आवाज के साथ टकराई या उस पर हमला किया। ही वेंट एट द पायरेट लाइक ए रॉबिन एट ए वॉर्म ही वेंट एट द पायरेट उसने पायरेट पर समुद्री डाकू पर हमला किया समुद्री डाकू पर झपटा लाइक ए रॉबिन एट ए वॉर्म रॉबिन नाम की चिड़िया के समान जिस प्रकार से रॉबिन नाम की चिड़िया कीड़े पर झपटती है उसी प्रकार से कस्टर्ड उस समुद्री लुटेरे पर झपटा।
The pirate gaped at Belinda's dragon and gulped some grog from his pocket flagon. He fired two bullets, but they did not hit, and Custard gobbled him every bit. अब क्या होता है, जैसे ही कस्टर्ड उस समुद्री लुटेरे पर रोबिन नाम की चिड़िया की भांति झपटा, तो द पायरेट गेप्ड एट, गेप्ड मीन्स स्टेयर्ड, समुद्री डाकू ने एक टक देखा या एक टक देखता रहा एट बेलिंडाज ड्रैगन, बेलिंडा के ड्रैगन को। वह समुद्री लुटेरा बेलिंडा के ड्रैगन को एक टक देखता रहा। एंड गल्प्ड सम ग्रोग, गल्प्ड मीन्स निगल ली या पी, सम ग्रोग, ग्रोग मीन्स यहां पर शराब से है। उसने कुछ शराब पी, फ्रॉम हिज पॉकेट अपनी जेब में रखी हुई, फ्लैगन मीन्स सुराही, शराब रखने की जो सुराही होती है, अपनी जेब में रखी हुई मदिरा की सुराही से उसने कुछ मदिरा या शराब पी, गट गट कर ली। फिर क्या होता है, ही फायर टू बुलेट्स, उसने दो गोलियां चलाई, उसके हाथ में पिस्टल थी दोनों में, दाएं में भी बाएं में भी, तो उसने ही फायर टू बुलेट्स, उसने दो गोलियां चलाई, बट दे डिड नॉट हिट, लेकिन उनका निशाना नहीं लगा, दोनों ही गोलियां ड्रैगन के नहीं लगी, उसका निशाना, दोनों गोलियों का निशाना चूक गया। एंड कस्टर्ड गोबल्ड हिम एवरी बिट, फिर क्या हुआ स्टूडेंट्स, उस कस्टर्ड नाम के ड्रैगन ने क्या हुआ, उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए, एवरी बिट, बिट मीन्स टुकड़ा होता है, उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए, और गोबल्ड मीन्स निगल गया, बड़ी तेजी के साथ उसने उसे खा लिया। यानी कि कस्टर्ड ने उस समुद्री लुटेरे के टुकड़े टुकड़े करके शीघ्रता से निगल गया या खा गया। बेलिंडा एम्ब्रेस्ड हिम, मस्टर्ड लिक्ड हिम, नो वन मॉर्न्ड फॉर हिज पायरेट विक्टिम, इंक एंड ब्लिंक इन गिली डिड जायरेट अराउंड द ड्रैगन दैट एट द पायरेट। अब क्या होता है स्टूडेंट्स, जब कस्टर्ड उस समुद्री लुटेरे के टुकड़े टुकड़े करके शीघ्रता से निगल गया, तेजी से खा गया, और सबने देखा कि कस्टर्ड ने उस समुद्री लुटेरे को मार करके खा लिया है, तो सबने क्या किया, सबसे पहले बेलिंडा एम्ब्रेस्ड हिम, बेलिंडा ने उसकी वीरता को देख करके क्या किया, एम्ब्रेस्ड गले लगा लिया, हिम उसको, बेलिंडा ने कस्टर्ड की वीरता को देख करके उसे गले लगाया। मस्टर्ड लिक्ड हिम, और जो मस्टर्ड था, कौन था, पीले रंग का छोटा कुत्ता था, उसने भी उसे चाटा अर्थात उसे प्यार किया। नो वन, किसी ने भी नहीं, मॉर्न मीन्स शोक मनाया या विलाप किया, फॉर हिज पायरेट उसके समुद्री लुटेरे शिकार के लिए, विक्टिम इज शिकार, किसी ने भी उसके समुद्री डाकू के शिकार के लिए किसी ने भी शोक नहीं मनाया, किसी को भी दुख नहीं हुआ, कोई रोया नहीं। इंक एंड ब्लिंक इन गिली डिड जायरेट। अब क्या होता है, कस्टर्ड की बहादुरी को देख करके सब क्या होते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं, और इंक एंड ब्लिंक, इंक बिल्ली का छोटा काला बच्चा, एंड ब्लिंक और चूहा, इन गिली, गिली मीन्स प्रसन्नता में, डिड जायरेट, जायरेट मीन्स होता है
चक्कर काटते हुए घूमना अराउंड चारों ओर दी ड्रैगन ड्रैगन के। इंक और ब्लिंक प्रसन्नता से उस ड्रैगन के चारों ओर खुशी में चक्कर लगाते हैं, घूमते हैं। दैट एट दी पायरेट, जिसने उस समुद्री डाकू को टुकड़े टुकड़े करके खा लिया था। एट मीन्स खा लिया था। दी पायरेट, समुद्री डाकू को। बेलिंडा एम्ब्रेस्ड हिम, बेलिंडा ने उसे गले लगाया, उसे प्यार किया। मस्टर्ड लिक्ड हिम, मस्टर्ड नाम के कुत्ते ने भी उसे चाटा अर्थात प्यार किया। नो वन मॉर्न फॉर हिज पायरेट विक्टिम, और किसी ने भी उसके समुद्री डाकू के शिकार के लिए शोक नहीं मनाया। इंक एंड ब्लिंक इन गिली डिड जायरेट अराउंड द ड्रैगन दैट एट द पायरेट। इंक और ब्लिंक ने प्रसन्नता पूर्वक उस ड्रैगन के चारों ओर चक्कर लगाया या काटा, जिसने उस समुद्री डाकू को खा लिया था। बट प्रेजेंटली अप स्पोक लिटिल डॉग मस्टर्ड, I would have been twice as brave if I hadn't been flustered, and up spoke Ink and up spoke Blink. We would have been three times as brave, we think, and Custard said, I quite agree that everybody is braver than me. बट प्रेजेंटली, परंतु शीघ्र ही, तुरंत ही, अप स्पोक जोर से बोला लिटिल डॉग मस्टर्ड, लेकिन तुरंत ही छोटा कुत्ता मस्टर्ड ऊंची आवाज में बोला, क्या? इफ आई हैड बीन फ्लस्टर्ड, फ्लस्टर्ड कहते हैं घबराया गया। इफ आई हैड नॉट बीन फ्लस्टर्ड, यदि मुझे घबराया गया नहीं होता, मुझे भ्रमित न किया गया होता, तो क्या होता है? आई वुड हैव बीन ट्वाइस एज ब्रेव, मैं तुमसे दुगना बहादुर होता। मस्टर्ड कहता है कि मैं तो भ्रमित हो गया था इसलिए भाग गया, यदि भ्रमित न होता तो तुमसे दुगना बहादुर होता। एंड अप स्पोक इंक एंड अप स्पोक ब्लिंक, इंक और ब्लिंक भी ऊंची आवाज में बोले, वी वुड हैव बीन थ्री टाइम्स एज ब्रेव, हम तुमसे तीन गुना बहादुर होते। थ्री टाइम्स, तीन गुना। वी थिंक, हम सोचते हैं, यानी कि इंक और ब्लिंक तेज आवाज में बोले, हम सोचते हैं, हमारा विचार है कि हम भी तुमसे तीन गुना बहादुर होते। एंड कस्टर्ड सेड, उन सब की इस डिंग को सुन करके कस्टर्ड ने कहा, आई क्वाइट एग्री, मैं तुम सब से पूर्ण रूप से सहमत हूं, बिल्कुल सहमत हूँ। दैट एवरीबडी इज ब्रेवर देन मी, कि तुम में से हर एक, एवरीबडी हर एक, कि तुम में से हर एक इज ब्रेवर, अधिक बहादुर हो देन मी, मुझसे। इस बात को कस्टर्ड भी स्वीकार करता है उनकी डिंगों को सुन करके, कि भाई ठीक है, मैं आपसे पूर्णतः सहमत हूँ कि तुम में से हर एक व्यक्ति मुझसे अधिक बहादुर है। Belinda still lives in her little white house with her little black kitten and her little grey mouse and her little yellow dog and her little red wagon and her realio trulio little pet dragon. Belinda still, Belinda अब भी lives रहती है in her little white house. Belinda अब भी अपने छोटे सफेद घर में रहती है। विद हर लिटिल ब्लैक किटन, और उसके साथ उसका छोटा काला बिल्ली का बच्चा भी रहता है। एंड हर लिटिल ग्रे माउस, और उसके साथ अब भी उसका छोटा भूरे रंग का चूहा भी रहता है। एंड हर लिटिल येलो डॉग, और उसका छोटा पीले रंग का कुत्ता भी रहता है। एंड हर लिटिल रेड वैगन, और उसके घर में उसके साथ उसकी छोटी लाल गाड़ी भी है। एंड हर रियलियो ट्रूलियो, और उसका वास्तविक सच्चा छोटा पालतू ड्रैगन भी रहता है। बेलिंडा इज एज ब्रेव एज ए बैरल फुल ऑफ बियर्स
एंड इंक एंड ब्लिंक चेज लायंस डाउन द स्टेयर्स मस्टर्ड इज एज ब्रेव एज ए टाइगर इन ए रेज बट कस्टर्ड कीप्स क्राइंग फॉर ए नाइस सेफ केज। देखिए फिर से सभी अपने डींगे मारने शुरू कर देते हैं। बेलिंडा इज एज ब्रेव एज ए बैरल फुल ऑफ बियर्स। बेलिंडा इतनी बहादुर है एज ए बैरल ऑफ, बैरल फुल ऑफ का मीनिंग है ए ग्रुप। बेलिंडा भालुओं के समूह, भालुओं के झुंड के समान बहादुर है। एंड इंक एंड ब्लिंक, और इंक और ब्लिंक चेज मिस पीछा करते हैं लॉयंस शेरों का, डाउन द स्टेयर्स सीढ़ियों के नीचे तक। स्टेयर्स मिस सीढ़ियां। इंक और ब्लिंक सीढ़ियों के नीचे तक शेरों का चेज मिस पीछा करते हैं। मस्टर्ड इज एज ब्रेव एज ए टाइगर इन ए रेज। और मस्टर्ड नाम का जो कुत्ता है वह गुस्से से, ए टाइगर इन रेज मीन्स गुस्से से भरे हुए, क्रोध से भरे हुए, चीते के समान, बाघ के समान बहादुर है। बट कस्टर्ड कीप्स क्राइंग, परंतु कस्टर्ड नाम का जो ड्रैगन है कीप्स क्राइंग, चीखता रहता है, चिल्लाता रहता है, रोता रहता है फॉर ए नाइस सेफ केज, सुंदर सुरक्षित पिंजरे के लिए। पर कस्टर्ड नाम का ड्रैगन सुंदर सुरक्षित पिंजरे के लिए रोता रहता है। ये था इस पोएम का, हमने आपको हिंदी में एक्सप्लेन किया। पसंद आया तो लाइक कीजिए, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अपने दोस्तों को भी इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि वो भी अपनी स्टडी कर सकें। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।